अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल इनायस वर्ल्ड। देखिए मेरा ये वीडियो जो है आज कैरेट हार्वेस्टिंग है। माशाल्लाह से देखिए कैरेट के प्लांट्स है, ये आप देख सकते हैं। इसके लीव्स जो है कोरिएंडर के जैसे ही दिखते, दिखने में आप देख सकते हैं। मैं ये 50 रुपीज़ वाला जो टब रहता ना, स्मॉल टब, उसके अंदर मैं उसके सीड्स लगाई थी। ये 3 मंथ्स के अंदर जो है हार्वेस्ट के लिए रेडी है, मगर नहीं मालूम कितने बड़े हैं। यहाँ ऊपर से तो कैरेट तो दिख रहा है। इंशाल्लाह मैं सोच रही हूँ कि ये ग्रो हो गया है प्रॉपरली, मैं अब इसको हार्वेस्ट करूँगी। यहाँ पे 1 और 2 स्टब में और 3, यहाँ पे 3 है, हार्वेस्ट करेंगे इसको अभी, हार्वेस्ट करेंगे अभी इंशाल्लाह। माशाल्लाह ये तो बहुत ही छोटा है, मगर अच्छा अरे वाह, इसके तो काफ़ी सारे रूट्स हैं। देखिए माशाल्लाह से ये अलग ही टाइप का निकला। देखिए 1 2, और यहाँ से भी छोटे छोटे आ रहे हैं। मतलब एक सीड को एक ही कैरेट आता, फिर ये क्या है नहीं मालूम। माशाल्लाह से मतलब स्ट्रॉन्ग आया। मेरे ख़्याल से ये डिप्थ इसको बस नहीं हुआ शायद, देखेंगे नेक्स्ट वाला भी। ये भी इसी तरीके से है। मेरे ख़्याल से जो है ये छोटे साइज़ के कैरेट है। ये इसी तरीके से है, तो ये मैं भी नहीं निकालना चाह रही मैं ये थर्ड वाला, क्योंकि और थोड़ा सा टाइम देना चाह रही, देखेंगे नेक्स्ट टाइम। अगर आने में तो माशाल्लाह बहुत ही हेल्दी आया, आप देख सकते हैं ऊपर से इस तरीके से। देखिए माशाल्लाह बहुत ही हेल्दी आया, मगर साइज़ जो है इस तरीके से स्मॉल साइज़ में है, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा टाइम दूंगी इंशाल्लाह। मेरे फ्लावर्स देखिए माशाल्लाह कुछ गुच्छों में लगे, एक बुके है। देखिए एक ही प्लांट है ये, आप देख सकते हैं सिर्फ एक ही स्टेम है इसका, इसके काफ़ी सारे ब्रांचेस होके ये एकदम बुशी टाइप का निकला है फ्लावर्स। माशाल्लाह देखिए क्रिस्टमम के वो चामंती जो हम कहते, देखिए येलो छोटे बटन क्रिस्टमम है, देख सकते हैं माशाल्लाह छोटे वाले। ये सारे देसी फ्लावर्स है, हाइब्रिड के नहीं होते, कटिंग के थ्रू इसको आसानी से ग्रो कर सकते। और ये भी जो है मैरून कलर के हैं, ये निकल आ रहे हैं अभी, इसके फ्लावर्स ब्लूम नहीं हुए। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कलर है। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए इसको ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल इनायस वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अस्सलामुअलैकुम।